बेटा मनस्वी शर्मा, उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ है और बहुत ही रोमांचित और मैं खुशी का कोई ठिकाना नहीं है पूरे परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में। और इस बच्चे ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है उसमें 101 मा रैंक लिया है। ये मनस्वी शुरू से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में रुचि लेता था। इनका बैकग्राउंड थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, लेकिन इन्होंने विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल यहीं का करनाल का, यहां से प्लस टू किया था। जो इनका आधार और नींव बना है, जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल बनी है, मैं उसको कॉन्वेंट स्कूल को इसका श्रेय देता हूं। उसके बाद थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए ये बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, क्रिकेट में वहाँ पर थापर यूनिवर्सिटी पटियाला का ये कैप्टन रहा है, और एक प्रोग्राम चलता था संगीत का जिसमें बहुत से दूर दराज से कलाकार बुलाते थे, जो सेलिब्रिटी होते थे, यही ऑर्गेनाइज करता था। तो एक्सपोजर बहुत लेकर के चलता था, तो वहाँ पर अच्छे रैंक से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद कैंपस पर इनका मारुति में सिलेक्शन हो गया। 101 रैंक इनके आसपास ये सोचता था कि 2 डिजिट में मेरा रैंक आना चाहिए, और मैं तो मानता हूँ कि 99 और 101 आसपास है, तो लगता है कि हरियाणा में इनको अभी पोस्टों का किस प्रकार से वर्गीकरण है वो मुझे बहुत डिटेल में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में इसको आईएएस मिलना चाहिए और आईपीएस तो कंफर्म है कि वो हरियाणा में मिलेगा। इसका ना एक सीधा सीधा सा कंसेप्ट था लाइफ का कि मुझे मीडियोकर नहीं बनना है, मुझे जो करना है बहुत एक्सीलेंस के उस पर जाकर करना है। तो इनके जो रोल मॉडल थे मनस्वी के, उसके पापा थे, वो देखते थे कि पापा बाई चांस बने हैं, उनकी तालपत्ती वाली गाड़ी आती है, तो कहीं ना कहीं उसको ये था कि भी मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊँगा, इस एरिया में नहीं जाऊँगा। कौन सा अटेम्प्ट था उसका और आगे के लिए किस तरीके से आप उसको एक मार्गदर्शन देंगे? नहीं, मैं उसको मार्गदर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि वो जिस तरह से उसने संघर्ष किया है ना, वो अब अपना डिसीजन खुद लेने में सक्षम है, और हमें प्राउड है कि उसने जो भी डिसीजन लिया है बहुत सही लिया है, बहुत डाउन टू अर्थ है। वो तो बचपन से ही मुझे याद है, जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तभी बड़ा एक डिसिप्लिन बच्चा था, बहुत डिसिप्लिन बच्चा। मुझे याद है वो परीक्षा दे के आया, मैंने पूछा बेटा कैसा कर गया, ओ पापा बदनाम जी कराया मैं। आईएएस के एग्जामिनेशन के बारे में भी मैंने से पूछा कि मनु कैसा पेपर हुए, कि नाना जी बस मैंने करा है, आप चिंता ना करो। इसी तरह से जब इसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बारे में मैंने पूछा कि बेटा इंटरव्यू कैसा रहा, कि नाना जी सब बढ़िया हो गया, आप चिंता ना करो, जैसा था सहज रूप में मैंने कर दिया। तो उसकी तैयारी बढ़िया होती है और सहज रूप में अपना सारे काम करता है, कोई टेंशन नहीं पालता किसी तरह का जो है, और बड़ा सहज रहता है हर जगह। ये देखकर के मेरे को बहुत खुशी होती है जो है, मैंने कही उसने अपनी तपस्या, अपनी लगन, और इसमें तो कोई संदेह नहीं। आप अपने अनुभव से उसे क्या देना चाहेंगे? मैं वो सीख रहा है, मैंने देने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप ग्रहण करता है, हमारे शब्दों से बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो संस्कार है बच्चे में हमारे साथ रह करके, हमारे व्यवहार से, रोजाना के संपर्क से, वो बच्चा स्वयं ग्रहण करता है, और उसने ग्रहण किए हुए हैं।